शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न वा शब्द आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। इस विधि में आकाश के स्पेस के तीन गुण दिए गए हैं। आधारहीन, आकाश में कोई आधार नहीं हो सकता। शाश्वत, वह कभी समाप्त नहीं हो सकता। निश्चल, वह सदा ध्वनि रही वह मौन रहता है। इस आकाश में प्रवेश करो, वह तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन मन सदा आधार खोजता है। मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनसे कहता हूँ आंखें बंद करके मौन बैठो और कुछ भी मत करो, और वे कहते हैं हमें कोई अवलंबन दो, सहारा दो, सहारे के लिए कोई मंत्र दो, क्योंकि हम खाली नहीं बैठ सकते, खाली बैठना कठिन है। यदि मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं तुम्हें मंत्र दे दूँ तो ठीक है, तब वह बहुत खुश होते हैं, वे उसे दोहराते रहते हैं, तब सरल है। आधार के रहते तुम कभी रिक्त नहीं हो सकते, यही कारण है कि वह सरल है। कुछ न कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास, करने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। करते रहने से कर्ता बना रहता है, करते रहने से तुम भरे रहते हो। चाहे तुम ओमकार से भरे हो, ओम से भरे हो, राम से भरे हो, जीसस से, आव मारिया से भरे हो, किसी भी चीज से भरे हो, लेकिन तुम भरे हो तब तुम ठीक रहते हो। मन खालीपन का विरोध करता है, वह सदा किसी चीज से भरा रहना चाहता है, क्योंकि जब तक वह भरा है तब तक चल सकता है। यदि वह रिक्त हुआ तो समाप्त हो जाएगा। रिक्तता में तुम एमन को उपलब्ध हो जाओगे। यही कारण है कि मन आधार की खोज करता है। यदि तुम अंतराकाश इनर स्पेस में प्रवेश करना चाहते हो तो आधार मत खोजो। सब सहारे, मंत्र, परमात्मा, शास्त्र, जो भी तुम्हें सहारा देता है वह सब छोड़ दो। यदि तुम्हें लगे कि किसी चीज से तुम्हें सहारा मिल रहा है तो उसे छोड़ दो और भीतर आ जाओ। आधारहीन, यह भय पूर्ण होगा, तुम भयभीत हो जाओगे। तुम वहां जा रहे हो जहां तुम पूरी तरह खो सकते हो। हो सकता है तुम वापस ही न आओ, क्योंकि वहां सब सहारे खो जाएंगे, किनारे से तुम्हारा संपर्क टूट जाएगा और नदी तुम्हें कहां ले जाएगी किसी को पता नहीं। तुम्हारा आधार खो सकता है, तुम एक अनंत खाई में गिर सकते हो, इसीलिए तुम्हें भय पकड़ता है और तुम आधार खोजने लगते हो, चाहे वह झूठ ही आधार क्यों न हो। तुम्हें उससे राहत मिलती है, झूठा आधार भी मदद देता है, क्योंकि मन को कोई अंतर नहीं पड़ता कि आधार झूठा है या सच्चा, कोई आधार होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह ऐसे घर में रहता था जहां उसे लगता था कि भूत प्रेत हैं, और वह बहुत चिंतित था। चिंता के कारण उसका भरण बढ़ने लगा, चिंता से वह बीमार पड़ गया, कमजोर हो गया। उसकी पत्नी ने कहा यदि तुम इस घर में जरा रुके तो मैं तो जा रही हूँ। उसके बच्चे को एक संबंधी के घर भेजना पड़ा। वह आदमी मेरे पास आया और बोला अब तो बहुत मुश्किल हो गई है, मैं उन्हें साफ साफ देखता हूँ, रात भी चलते हैं, पूरा घर भूतों से भरा हुआ है, आप मेरी मदद करें। तो मैंने उसे अपना एक चित्र दिया और कहा इसे ले जाओ, अब उन भूतों से मैं निपट लूंगा, तुम बस आराम करो और सो जाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनसे मैं निपट लूंगा, उन्हें मैं देख लूंगा, अब यह मेरा काम है और तुम बीच में मत आना, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी है। वह अगले ही दिन आया और बोला बड़ी राहत मिली, मैं चैन से सोया, आपने तो चमत्कार कर दिया, और मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस एक आधार दिया, आधार से मन भर जाता है, वह खाली ना रहा, वहां कोई उसके साथ था। सामान्य जीवन में तुम कई झूठे सहारों को पकड़े रहते हो पर वे मदद करते हैं, और जब तक तुम स्वयं शक्तिशाली न हो जाओ तुम्हें उनकी जरूरत रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह परम विधि है, कोई आधार नहीं। बुद्ध मृत्यु सैया पर थे और आनंद ने उनसे पूछा आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे उपलब्ध होंगे, जब आप ही चले जाएंगे तो हम जन्मों जन्मों के अंधकार में भटकते रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, प्रकाश तो विदा हो रहा है। तो बुद्ध ने कहा तुम्हारे लिए यह अच्छा रहेगा, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम अपना प्रकाश स्वयं बनोगे, अकेले चलो, कोई सहारा मत खोजो, क्योंकि सहारा ही अंतिम बाधा है। और ऐसा ही हुआ, आनंद संबुद्ध नहीं हुआ था, 40 वर्ष पे वह बुद्ध के साथ था, वह निकटतम शिष्य था, बुद्ध की छाया की भांति था।
उनके साथ चलता था, उनके साथ रहता था। उनका बुद्ध के साथ सबसे लंबा संबंध था। 40 वर्ष तक बुद्ध की करुणा उस पर बरसती रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आनंद सदा की भांति अज्ञानी ही रहा। और जिस दिन बुद्ध ने शरीर छोड़ा, उसके दूसरे ही दिन आनंद संबुद्ध हो गया। दूसरे ही दिन वह आधार ही बाधा था। जब बुद्ध न रहे तो आनंद कोई आधार न खोज सका। यह कठिन है। यदि तुम किसी बुद्ध के साथ रहो, वह बुद्ध चला जाए तो कोई भी तुम्हें सहारा नहीं दे सकता। अब कोई भी ऐसा न रहेगा जिसे तुम पकड़ सकोगे। जिसने किसी बुद्ध को पकड़ लिया, वह संसार में किसी और को नहीं पकड़ पाएगा। यह पूरा संसार खाली होगा। एक बार तुमने किसी बुद्ध के प्रेम और करुणा को जान लिया हो, तो कोई प्रेम कोई करुणा उसकी तुलना नहीं कर सकती। एक बार तुमने उसका स्वाद ले लिया, तो और कुछ भी स्वाद लेने जैसा न रहा। तो 40 वर्ष में पहली बार आनंद अकेला हुआ। किसी भी सहारे को खोजने का कोई उपाय नहीं था। उसने परम सहारे को जाना था। अब छोटे छोटे सहारे किसी काम के नहीं। दूसरे ही दिन वह संबुद्ध हो गया। वह निश्चित ही आधारहीन शाश्वत निश्चल अंतर आकाश में प्रवेश कर गया होगा। तो स्मरण रखो, कोई सहारा खोजने का प्रयास मत करो, आधारहीन हो जाओ। यदि इस विधि को करने का प्रयास कर रहे हो तो आधारहीन हो जाओ। यही कृष्णमूर्ति जी कह रहा है, आधारहीन हो जाओ। किसी गुरु को मत पकड़ो, किसी शास्त्र को मत पकड़ो, किसी भी चीज को मत पकड़ो। सब गुरु यही करते रहे हैं। हर गुरु का सारा प्रयास ही यह होता है कि पहले वह तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करे, ताकि तुम उससे जुड़ने लगो। और जब तुम उससे जुड़ने लगते हो, जब तुम उसके निकट और घनिष्ठ होने लगते हो, तब वह जानता है कि पकड़ छुड़ानी होगी। और अब तुम किसी और को नहीं पकड़ सकते, यह बात ही खत्म हो गई। तुम किसी और के पास नहीं जा सकते, यह बात असंभव हो गई। तब वह पकड़ को काट डालता है और अचानक तुम आधारहीन हो जाते हो। शुरू शुरू में तो बड़ा दुख होगा। तुम रोओगे और चिल्लाओगे और चीखोगे और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ हो गया। तुम दुख की गहनतम गहराइयों में गिर जाओगे। लेकिन वहां से व्यक्ति उठता है अकेला और आधारहीन। आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो जाओ। उस आकाश का न कोई आदि है न कोई अंत, और वह आकाश पूर्णतः शांत है। वहां कुछ भी नहीं है, कोई आवाज भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, कोई गुलगुला तक नहीं। सब कुछ निश्चल है। वह बिंदु तुम्हारे ही भीतर है। किसी भी क्षण तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो। यदि तुम में आधारहीन होने का साहस है तो इसी क्षण तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो। द्वार खुला है, निमंत्रण सबके लिए है, लेकिन साहस चाहिए अकेले होने का, रिक्त होने का, मिट जाने का और मरने का। और यदि तुम अपने भीतर आकाश में मिट जाओ, तो तुम ऐसे जीवन को पालोगे जो कभी नहीं मरता। तुम अमृत को उपलब्ध हो जाओगे। इस YouTube चैनल पर हम लोग ओशो के द्वारा जो भी ध्यान विधियां दी हुई हैं, उनके बारे में आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जो कि उसके बिल्कुल बगल में दी हुई है, वो आप उस पर क्लिक कर दें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। तो इस सीरीज में हम लोग जो पहला किताब लेके आ रहे हैं आपके लिए, उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। ओशो ने जो हमारा एक प्राचीन ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन की है बिल्कुल सरल भाषा में। तो उसके लिए हम अभी स्टार्ट करते हैं ओशो विज्ञान भैरव तंत्र। तो दोस्तों, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले विज्ञान भैरव तंत्र का परिचय। तो ओशो ने बोला है कि विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, यह दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय या मार्ग, इसलिए यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्योंकि नहीं कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है
यह अस्तित्व क्यों है? विज्ञान पूछता है, यह अस्तित्व कैसे है? जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो, तब उपाय विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाता है, अनुभव केंद्र बन जाता है। विज्ञान का मतलब है चेतना, और भैरव एक विशेष शब्द है, एक तांत्रिक शब्द जो कि पारगामी के लिए कहा जाता है। इसीलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त द्वैत के पार चले जाते हैं। इसमें भगवान शिव ने 112 विधियां बताई हैं, जो कि सबसे पुरानी सबसे प्राचीन विधियां हैं, लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, वे पूर्ण हैं। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हुए हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि नहीं जोड़ी जा सकती, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। वह सर्वांगीण है, संपूर्ण है, अंतिम है। यह सबसे प्राचीन है तथा सबसे आधुनिक, सबसे नवीन भी है। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं, और साथ ही सुबह के सूरज के सामने ओस कण की भांति ये नए हैं, ये इतने ताजे हैं। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक करके हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान पैदा मत करो। जिस समय हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को एक किनारे पर रख देना, उन्हें अलग ही कर देना, क्योंकि ये रास्ते की एक धूल भर है। इन विधियों का साक्षात्कार निश्चित ही सचेतन मन से करो, लेकिन तर्क से हटाकर करो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सावचेत मन है, वह नहीं है। क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो, उसी क्षण सजगता खो जाती है, सावचेत नहीं रहते हो, तुम सब यहां हो ही नहीं। यह विधियां किसी धर्म की नहीं है, यह ठीक वैसे ही हिंदू नहीं है जैसे सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के बावजूद यहूदी नहीं हो जाता, रेडियो टेलीविजन ईसाई नहीं है। यह विधियां हिंदुओं की इजाद अवश्य हैं, लेकिन वे स्वयं हिंदू नहीं हैं। इसलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं रहेगा, किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही मंदिर हो, तुम खुद ही प्रयोगशाला हो, तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है, और विश्वास की भी जरूरत नहीं है। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान नहीं है, इसमें किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। कुरान या वेद में, बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी विश्वास की आवश्यकता है। प्रयोग करने का महासाहस ही पर्याप्त है, प्रयोग करने की हिम्मत ही काफी है। एक मुसलमान प्रयोग कर सकता है, वह कुरान के गहरे अर्थों को उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है, पर पहली दफा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही जैसे एक जैन इस साधना में उतर सकता है, बौद्ध इस साधना में उतर सकता है, एक ईसाई भी इस साधना में उतर सकता है। वे जहां हैं, तंत्र उन्हें आप्त काम करेगा। उनके अपने चुने हुए रास्ते जो भी हो, तंत्र सहयोगी होगा। यही कारण है कि जन साधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया। और सदा यह होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो, तो तुम उसे गलत जरूर समझते हो, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि समझते जरूर हो, तुम रिक्त स्थान में बने रहने को राजी नहीं हो। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो, तुम उसे गाली देने लगते हो, यह इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो मैं और नहीं समझूं, यह असंभव है, इस चीज के साथ ही कुछ भूल होगी, और तब तुम गाली देने लगते हो, तब तुम उल उजूल बकने लगते हो, कहते हो कि अब ठीक है।
इसीलिए तंत्र को नहीं समझा गया और तंत्र को गलत समझा गया। महान राजा भोज ने पवित्र उज्जैन नगरी में तंत्र की विद्यापीठ को खत्म कर दिया। 1,00,000 तांत्रिक जोड़ों को काट दिया गया। क्यों, ये क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आता। कुछ सालों पहले ही वहां पर राजा विक्रमादित्य ने उन्हीं तांत्रिकों को कितना सम्मान दिया। यह इतना गहरा और ऊंचा था, यह होना स्वाभाविक था। तीसरी बात, चूंकि तंत्र द्वेत के पार जाता है, इसीलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। कृपया इन शब्दों को समझो, नैतिक, अनैतिक और अति नैतिक। नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है वह भी हम समझते हैं, लेकिन जब कोई चीज अति नैतिक हो जाती है तब वह दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन है। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता जरूरी नहीं है, कोई खास नैतिकता जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि तुम अनैतिक हो क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। इसीलिए तंत्र शर्त नहीं लगाता कि तुम पहले नैतिक बनो तब तुम तंत्र की साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए यह बात ही बेतुकी है। कोई बीमार है, बुखार में है, डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा स्वस्थ हो लो तब मैं दवा दूंगा। यही तो हो रहा है। और साधु के पास, चोर साधु के पास जाता है और कहता है मैं चोर हूं, मुझे ध्यान करना सिखाएं। साधु कहता है पहले चोरी छोड़ो, चोर रहते ध्यान कैसे कर सकते हो। एक शराबी आकर कहता है कि मैं शराब पीता हूं, मुझे ध्यान बताएं। और साधु कहता है पहली शर्त है कि शराब छोड़ो तब ध्यान कर सकोगे। तंत्र तुम्हारी तथा कथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रस्म और रिवाज आदि की चिंता ही नहीं करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है, नहीं। तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की ही परवाह नहीं करता तो वह तुम्हें अनैतिक होने को भी नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि की बात करता है कि कैसे चित्त को बदला जाए। और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत ही दूसरी हो जाएगी। इसी अति नैतिक सुझाव के कारण तंत्र तुम्हारे तथा कथित साधु महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सब उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि अगर तंत्र सफल होता है तो धर्म के नाम पर चलने वाली सारी नासमझी समाप्त हो जाएगी। तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है जब मन नहीं रहता, यह अमन की अवस्था है। और तब तुम पहली दफा यथार्थतः उसको देखते हो जो है। जब तक मन है तुम अपना ही संसार रचे जाते हो, तुम उसे आरोपित प्रक्षेपित किए जाते हो। लेकिन पहले तो मन को बदलो और तब मन को अमन में बदलो। और ये 112 विधियां सभी लोगों के काम आ सकती हैं। हो सकता है कोई विशेष उपाय तुम्हें ठीक ना पड़े, इसीलिए तो शिव अनेक उपाय बताते चले जाते हैं। कोई एक विधि चुन लो जो तुम्हें जच जाए। और यह जानना कठिन नहीं है कि कौन सी विधि तुम्हें जचती है। हम यहां प्रत्येक विधि को समझने की कोशिश करेंगे। तुम अपने लिए यह विधि चुन लो जो कि तुम्हें और तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे। यह समझ, यह बौद्धिक समझ बुनियादी तौर पर जरूरी है, लेकिन अंत नहीं है। जिस विधि की भी चर्चा मैं यहां करूं उसको प्रयोग करो। सच तो यह है कि जब तुम अपनी सही विधि का प्रयोग करते हो तब झट से उसका तार तुम्हें किसी तार से लगाकर बज उठता है। एक विधि लो, उसके साथ 3 दिन खेलो। अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति हो, अगर उसके साथ तुम थोड़ा स्वस्थ महसूस करो, अगर तुम्हें लगे कि यह तुम्हारे लिए है, तो फिर उसके प्रति गंभीर हो जाओ। तब दूसरी विधियों को भूल जाओ, उनसे खेलना बंद करो और अपनी इस विधि के साथ टिको। कम से कम 3 महीने टिको, चमत्कार संभव है। बस इतना होना चाहिए यह विधि सचमुच तुम्हारे लिए हो। यदि तुम्हारे लिए नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तब उसके साथ जन्मों जन्मों तक प्रयोग करने पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये 112 विधियां तो समस्त मानव जाति के लिए हैं, और वे उन सभी युगों के लिए हैं जो गुजर गए हैं और आने वाले हैं। और किसी भी युग में एक भी ऐसा आदमी नहीं हुआ और न होने वाला है जो कह सके कि ये सभी 112 विधियां मेरे लिए व्यर्थ हैं। असंभव है, यह बिल्कुल असंभव बात है। प्रत्येक ढंग के
चित्त के लिए यहां गुंजाइश है। तंत्र में प्रत्येक किस्म के चित्त के लिए विधि है। कई विधियां हैं जिनमें उपयुक्त आदमी उपलब्ध नहीं है, वे भविष्य के लिए हैं। और ऐसी विधियां भी हैं जिनके उपयुक्त मनुष्य रहे ही नहीं, वे अतीत के लिए हैं। लेकिन डर मत जाना, अनेक विधियां हैं जो तुम्हारे लिए ही हैं। जब हम सुनते हैं कि ध्यान मेडिटेशन करनी है तो अक्सर हमें लगता है कि हम एक जगह पर बैठ जाएंगे और किसी इमेजिनेशन, किसी विजुलाइजेशन, कुछ अलग प्रकार की गाइडेड मेडिटेशन होगी जहां पर हम एक कुछ जो भी गाइड किया जाता है वैसे वैसे हमें फॉलो करना होता है। अब उसका प्रयोग आप समझें, क्योंकि ये मेडिटेशन, ये ध्यान जो गाइडेड मेडिटेशन है जिसमें आपको गाइड किया जा रहा है, उसका मेन जो रिलैक्सेशन आपको महसूस होती है वो उस समय तक महसूस होती है जब तक आप उस गाइडेंस के अंडर हैं। उसका आपके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़े, क्योंकि कुछ पलों के लिए तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ पलों के लिए तो आप शांत हो जाते हैं और स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि जो लोग एक एक महीने के फास्टिंग भी करते हैं कुछ समय के लिए इतना ज़्यादा रिलैक्स हो चुके होते हैं, क्योंकि पहली बात तो जान ही नहीं होती है शरीर में, उनके जो सेंसेस है वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, शरीर में जान नहीं है तो गुस्सा भी क्या ही करना है, जो भी चीज़ें हो रही होती है उसे हम एकदम रिलैक्स्ड होकर या फिर कहें विदाउट एनी एनर्जी उसे हम देखने लग जाते हैं। यहाँ पे हम रिलैक्स भी नहीं कहेंगे क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है तो किसी चीज को एनालाइज करना वो अलग गलत शब्द है। अक्सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हम इसे जनरलाइज करके सब लोगों के लिए बोल रहे हैं, ये तब होता है जब लोगों को ये नहीं समझ होता कि इसके आगे का स्टेप क्या है। कि आपने फास्टिंग कर लिया, चाहे एक दिन का व्रत हो चाहे दो दिन का व्रत हो, तो उस समय के लिए आप महसूस तो करेंगे कि आप रिलैक्स हैं, लेकिन आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट कीजिए कि आप रिलैक्स हैं या फिर आप बिना ऊर्जा के हैं। ये दो स्थिति होती है। इस स्थिति में समझने में, इसमें डिफरेंशिएट करने में, उसमें आपका विवेक होता है। तो हमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज समझनी है कि जब आप ध्यान को समझ रहे हैं तो जो ध्यान की विधि हम अभी करेंगे उसका प्रयोग ये है कि आप अपने माइंड को स्टिल करना सीख जाएं, क्योंकि जिस दिनचर्या में हम लोग रहते हैं, जिस युग में हम लोग हैं, जो हम लोगों का सब कुछ आसपास हमारे लाइफस्टाइल है, क्योंकि आजकल ऐसी धर्म चर्चा सुनने को मिल रही है, ये भी सौभाग्य की बात है, वरना आप किसी आम इंसान से बात करेंगे, अपने आसपास ही आप किसी मित्र से बात कीजिए तो प्रश्न यहाँ तक जाते हैं तो वो इतनी दूर हो चुके हैं कि रियलिटी से इतनी दूर हो चुके हैं, हम कहेंगे कि ये बहुत ही शैलो बात है कि सिर्फ धन से दुनिया का हर सुख खरीदा जा सकता है। ऐसे सेंटेंसेस आपको सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन हम समझते हैं कि आप इस पूरी स्पिरिचुअल मेडिटेशन की जो जर्नी है, आप लोगों को ये पूरा ज्ञान हो चुका होगा कि ये बहुत ही शैलो बात है कि धन से सारी समस्या दूर हो जाती, धन से सुख मिल जाता है। तो अब जब आप ये ध्यान की विधि कर रहे हैं उससे आपका माइंड स्टिल होगा। ये वैसी ही विधि है जो बुद्ध ने करी है, जिस पे आप अपनी श्वास पर ध्यान लगाते हैं, और ये वही विधि है जो आपके जो विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 मेडिटेशंस बताई जाती है, जिसकी जो पहली ध्यान विधि है वो यही है। इसका प्रयोग ये होता है कि जो अभी हम आपको बता रहे थे कि इसका प्रयोग ये है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी एक काम करते हैं, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर सोच रहे हैं, किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, आप एक पेंटिंग ही क्यों ना बना रहे हो, आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर आपने उस कार्य पर ध्यान लगा दिया, बस उसी को ध्यान बोला जाता है, उसी को मेडिटेशन बोला जाता है। तो जो उच्च कोटि के जो आप देखते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, टॉप के एथलीट्स, रोनाल्डो ने हम ध्यान ही कह सकते हैं एक स्तर पे, क्योंकि कितना ध्यान लगता है कि वो इतने सालों से वो इंसान टॉप पर है। तो अब आप समझ लीजिए कि हर रोज उठकर वो वही एक काम कर रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी में, तपस्या कहते हैं ऐसे, ये तपस्या है रोनाल्डो की, जो रियलिटी में इस टाइम पर आप अगर आंखों से देखना चाहते हैं तो इसी को तपस्या कहते हैं। कितनी साइकिक ड्राइविंग करी होगी या फिर कितनी अंदर से उनकी ऊर्जा लगती होगी कि हर रोज उठकर, सुबह उठकर रोज वही काम कर रहे हैं,
और यही वो कारण है कि बाकी जितने जो एथलीट्स हैं चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन अभी तक रोनाल्डो के आसपास भी नहीं पहुंच पाते। ये तपस्या होती है और यही ध्यान का जो अभी आप विधि कर रहे, यही उसका मेन पर्पस है कि कुछ ऐसे पल आप महसूस करें, आपको ये समझ में आए कि सबसे पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स होने के बाद किसी एक चीज पर फोकस करना है। अब वो फोकस की जो चीज है, किसी एक चीज पर ध्यान लगाना है, चाहे आप अपनी श्वास पर ध्यान लगा रहे हैं, चाहे आप अपने चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं, चाहे आप एक दीपक की जो लौ होती है उस पर ध्यान लगा रहे हैं, चाहे आप दीवार पे जो एम्प्टी स्पेस है उस पर ध्यान लगा रहे हैं, चाहे आप किसी आइडिया पर ध्यान लगा रहे हैं, किसी भी चीज पर आपको ध्यान लगाना है। बस ये शुरुआत की जितनी भी आपकी विज्ञान भैरव तंत्र की जो मेडिटेशंस होती है ये उसमें समझाया जाता है। इसके लिए अलग 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 प्रयोग किए जाते हैं। तो आज जो ध्यान की विधि हम करेंगे उसे उसमें आपको अपनी श्वास पर ध्यान लगाना है। आपको महसूस करना है उस एक एक पल को कि कैसे आपकी श्वास आपके अंदर जा रही है, और आपको महसूस करना है पूरा पेट तक उसे महसूस कीजिए कि आपकी जो नाभि है, आपका जो पेट है वो बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, यहां तक उसे महसूस कीजिए। जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं उसके बाद उस पॉज वाला जो मोमेंट है, वो जो एक वॉइड आता है जब श्वास अंदर लेते हैं और जब एक्सहेल करते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं, उसके बीच में एक वॉइड आता है, उस वॉइड पर भी आपको ध्यान लगाना है। बस ये ध्यान की विधि है। अब होता क्या है कि सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जो होता है वो आप लोग जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अक्सर किया है, और आपको एकदम रिलैक्स होकर बस ये विधि करनी है कि स्टिलनेस ऑफ माइंड क्या होता है, बॉडी की रिलैक्सेशन क्या होती है, वो आपको समझ में आ पाए। अब इसके दो तीन प्रयोग होते हैं। यहाँ पर ओशो की जो डायनामिक मेडिटेशंस होती थी आप वो भी समझिए। आप अपने शरीर को दो तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं, पहला है कि ये जो विधि है उस प्रकार से, और दूसरा होता है कि आप अपने शरीर को इतना थका दे अपने शरीर को इतना ज़्यादा टेंस कर दे कि उसके बाद रिलैक्स होने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो ये विधि भी होती है। तो दोनों तरीके हैं कि एक ऑप्शन है आप सीधा इस रिलैक्स स्टेट में पहुंचे, और दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले इतना ज्यादा टेंस हो जाए कि उसके बाद रिलैक्सेशन स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा। तो ये विधि भी होती है। तो दोनों तरीके हैं कि एक ऑप्शन है आप सीधा इस रिलैक्स स्टेट में पहुंचे, और दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले इतना ज्यादा टेंस हो जाएं कि उसके बाद रिलैक्सेशन स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा। ये वाली जो विधि होती है जिसमें आप टेंस होने के बाद ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, वो ऐसा होता है कि उसमें आपकी कम ऊर्जा लग रही है, उसमें आप क्योंकि ध्यान कम लग जाएगा क्योंकि वो उसमें शरीर आपका जो रोल है वो टेक ओवर कर लेगा। यहाँ पर आपको खुद से रिलैक्स होना है पहले। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाविक है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उसे गहराई से कर पा रहे हैं, और क्या आपकी पूरी दिनचर्या रही है उस पर भी डिपेंड करता है, और आपके कितने एक्सपीरियंसेस हैं। तो आज हम ये ध्यान की विधि करते हैं। आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। विज्ञान भैरव तंत्र की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम शिव और पार्वती के बीच के संवाद की बात करेंगे, जिसमें ज्ञान, मुक्ति या मोक्ष पाने की 112 विधियों का वर्णन है जो भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए। तो सबसे पहले तंत्र को समझते हैं। तंत्र के मामले में लोगों ने कुछ गलत धारणाएं बना रखी है। ज्यादातर लोग तंत्र को संभोग से जोड़कर देखते हैं। हालांकि तंत्र का मतलब होता है तरीका, विधि। तंत्र की इन विधियों में ज्यादातर जो चर्चा हुई है वो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म का मार्ग है।
विज्ञान भैरव तंत्र की सभी विधियों में परम ज्ञान को पाने के मार्ग हैं, और उन विधियों के बीच आपको बहुत कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जिससे साधक भटक जाता है, जैसे तांत्रिक विद्याएं, वशीकरण, जादू टोना इत्यादि। परंतु विज्ञान भैरव तंत्र का यह उपयोग नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य तो परम ज्ञान पाने का है। तो चलिए आज विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान विधियों में कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। बाकी विधियां आपको मेरे आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगी। तो पहला मार्ग है कर्म मार्ग में सांस की धारणा का। जैसे सांस बाहर आती है तो हम उसे सांस को छोड़ना कहते हैं, जिसे रेचक भी कहा जाता है, और विज्ञान भैरव तंत्र में उसे प्राण श्वास कहा गया है। मतलब जब प्राण या रेचक शब्द आए तो उसका मतलब होता है सांस को छोड़ना। और ठीक वैसे ही श्वास को अंदर लेने को हम सांस का लेना कहते हैं, जिसे पूरक भी कहा जाता है, और विज्ञान भैरव तंत्र में इसे अपान श्वास या जीव कहा गया है। तो जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो अंदर लेने के बाद कुछ देर रुकते हैं, और ठीक वैसे ही जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ते समय फिर हम कुछ देर रुकते हैं। तो श्वास को भीतर लेने के बाद रुकना और श्वास को छोड़ने के बाद जो रुकना होता है, यानी आती जाती सांसों के बीच में जो गैप है, जो एक अंतराल है, एक ठहराव है, उसे कुंभक भी कहा जाता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र में 5 धारणाएं श्वास पर हैं। भैरव यानी शिव कहते हैं, ऊर्जा के बनने और बिखरने के स्वभाव से ही बाहर आता हुआ श्वास और अंदर जाता हुआ जीव श्वास निरंतर चलता रहता है। इन दोनों ही श्वास की उत्पत्ति बिंदु पर भैरव की शक्ति की भावना करने पर उसका भैरव स्वरूप प्रकट होता है। दूसरी धारणा, अंदर आती हुई श्वास अंदर आने के बाद और बाहर जाती हुई सांस बाहर जाने के बाद एक क्षण के लिए विलीन हो जाती है। उस मध्य स्थिति का विकास करने पर चेतना का भैरव स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। तीसरी धारणा, श्वास रूपी प्राण शक्ति और जीव शक्ति ना बाहर जाए ना अंदर आए, उस मध्य स्थिति को विकसित करने पर साधक अपने भैरव स्वरूप को पहचान लेता है। चौथी धारणा, भारी कुंभक और अंतर कुंभक की मध्य स्थिति के विकास करने पर प्राण और अपान शांत होने पर चंचलता शांत होकर चेतना का शांत स्वरूप प्रकाशित होता है। तो पहली ये चारों धारणाएं श्वास पर हैं, एक जैसी ही प्रतीत होती हैं। भगवान शिव इन धारणाओं के बारे में बताते हैं कि ऊर्जा के स्वभाव की वजह से ये सांस चलती रहती है। श्वास कहाँ से शुरू होती है उस पर विचार करने से परम ऊर्जा के बारे में ख्याल आता है। यानी अपनी श्वासों पर ध्यान दें कि वह कैसे चल रही है। आज की हमारी इस बिजी लाइफ में हम इस पर इतना भी ध्यान नहीं देते कि हमारी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। यहाँ यह कहने का अर्थ है कि थोड़े समय के लिए बैठ जाओ और अपनी ही सांसों को देखो कि ये कहाँ से चल रही है, कहाँ से आ रही है। आती जाती सांसों के बीच में हम कितनी देर रुकते हैं, दोनों के बीच में कितना अंतराल है, इसे प्राकृतिक रूप से देखें। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस रुकने पर गौर करें। ऐसे ही श्वास को अंदर लेने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस समय पर गौर करें, वहां ध्यान दें। श्वास को रोकते समय आपके भीतर क्या क्या होता है उसे देखते रहें। इस पर ध्यान देने से आपका मन शांत हो जाएगा। और हम जिन भौतिक बातों के लिए दौड़ते रहते हैं वह सभी भौतिक चिंताएं कम हो जाएंगी। जैसे ही हम शांत होकर बैठेंगे हमारी बहुत सारी परेशानियां कम होने लगेंगी, और धीरे धीरे परम ऊर्जा या भैरव स्वरूप क्या है उस बारे में हम जानने लगेंगे। देखिए श्वास की इस प्रक्रिया से आपके अंदर जो घटना घटने वाली है वह कोई एक दिन में नहीं घटेगी। आपको ये वीडियो देखकर लग सकता है कि आप 2-4 दिन बैठेंगे और सांस का ये प्रयोग करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, पर ये इतना आसान नहीं है। श्वास के बीच की स्थिति को पकड़ने में देर लगती है, और जब आपका मन और आपके विचार शांत हो जाएं, तभी समझना कि आपने बीच की स्थिति पकड़ ली है। आपके मन में विचार चल रहे हैं या आपके मन में ऐसा भी विचार आता है कि हाँ अब मैंने बीच की स्थिति पकड़ ली है और मैं निर्विचार या शून्य की अवस्था में हूँ, तो इसका सही अर्थ यह है कि आप अभी बीच की स्थिति में नहीं है। ये मन के ही द्वारा दिया जाने वाला एक धोखा है। अब श्वास की 5वीं धारणा, प्राण और अपान वायु के
आने जाने के सभी द्वार बंद करके उसकी गति रुकने पर शरीर में चींटी चलने जैसा प्राण के ऊपर उठने का अनुभव होता है। उससे चित्त परम आनंद से भर जाता है। अर्थात जब आप अपने मुंह और नाक को बंद करके श्वास रोकने का प्रयास करते हैं और इसे थोड़ा लंबे समय तक करते हैं, शुरुआत में ये आपसे आसानी से नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे जब आप श्वास को अपने भीतर रोक के रखेंगे तो श्वास के ऊर्जा के उस फोर्स से आपके शरीर में चींटी चलने जैसा अनुभव होगा। उस अनुभव को देखते रहने से और उसको विकसित करने से आपको आनंद मिलेगा। ध्यान देना, इन सभी धारणाओं में याद रखना है कि हमें केवल धारणा करनी है, यानी इन सबको बिना तर्क लगाए गहरे में मान लेना है। फिर इसमें परमात्मा से जो भी अनुभव मिलना होगा वह मिलेगा, और अगर कोई अनुभव नहीं मिलता तो हम अपनी तरफ से जल्दबाजी नहीं कर सकते। परमात्मा रूपी अनुभव ये हमारे हाथ में नहीं होता, जब उसकी कृपा होगी तब ये हो जाएगा। आपको केवल क्रिया करनी है, यह विधि करनी है और पूरी तरह से परमात्मा पर समर्पित करके करना है, बाकी सब कुछ उसी पर छोड़ देना है। और दूसरी बात, ये सब करके हम केवल शांत होंगे और उस परम ऊर्जा को जान पाएंगे। इससे कोई भौतिक लाभ या सिद्धियों की आशा मत करना, और इन विधियों को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। आपको जब भी समय मिले इसका प्रयास करते रहें। तो विज्ञान भैरव का ये पहला भाग था जिसमें श्वास के ऊपर 5 धारणाएं थी। याद रखना, इन 5 धारणाओं को आपको भीतर से मान लेना है और फिर इसे प्रयोग करते हुए इस मान लेने को आपको स्वयं से जानना है। तो विज्ञान भैरव तंत्र का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप अध्यात्म से और गहरा जुड़ सकें तथा इसमें गहरा उतर सकें। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा आपका मित्र। आज हम चर्चा करेंगे और एक सूत्र के बारे में, विज्ञान भैरव तंत्र शास्त्र से। इस सूत्र में सिर्फ कहते हैं कि प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। नित्य जीवन क्या है और क्यों कहते हैं शिव कि प्रेम किए जाने के क्षण में, ध्यान किए जाने के क्षण में नहीं कह रहे हैं शिव, प्रेम किए जाने के क्षण में कह रहे हैं। प्रेम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? शिव को तो हम महायोगी, आदियोगी, परमयोगी, श्मशानवासी, इस प्रकार के संज्ञा उपाधियों से विभूषित करते हैं। तो शिव प्रेम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? लेकिन आप देखे होंगे कि शिव हरदम पार्वती के साथ है। शिव पार्वती विराजमान जब होते हैं, उनका जो प्रेम है वो छलकता है। अर्धनारीश्वर जो फोटो है शिव पार्वती का, वो किसी देवता का, किसी भगवान का नहीं है, खाली शिव का है, अर्धनारीश्वर। शिव कह रहे हैं प्रेम के बारे में, कहते हैं कि प्रेम किए जाने के क्षण में, व्हेन यू आर मेकिंग लव, मोहब्बत में या समूह के क्षण में जिससे आप प्रेम करते हैं, जब आपके साथ प्रेम में आबद्ध होते हैं, आलिंगन में, चुंबन में या संभोग में, तो उसमें ऐसे प्रवेश करो, ऐसे उतरो, ऐसे करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। प्रेम, लव, बाइबल कहता है लव इज गॉड, प्रेम, मृत्यु, ध्यान, ये एक ही टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं। ध्यान में आप डूबते हैं, अपने आप में खोते हैं, मृत्यु में तो आप इतने गहराई में डूबते हैं कि पूरा ही खो देते हैं, और प्रेम में आदमी ऐसा डूबता है कि ये लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, इतना प्रफुल्लित उन्मादित हो जाता है प्रेम में कि हरदम उसके सामने अपनी प्रेमिका की छवि या कोई लड़की है तो जिस लड़के से प्यार करती है उसका छवि हरदम दिमाग में चलता है, किस प्रकार से जुड़ सके उस प्रकार। जिसने प्रेम ही नहीं किया, यदि जिसने किसी इंसान से प्रेम नहीं किया तो ईश्वर से प्रेम करने की बात तो बहुत दुख की बात है। ईश्वर से प्रेम करने से पहले किसी से प्रेम करना होगा, किसी से प्रेम करने से पहले अपने आप से प्रेम करना,
यदि आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं तो आपके अंदर तो प्रेम है ही नहीं। जब आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो आप प्रेम किसी को दोगे कैसे? फिर वो वाला प्रेम हो जाएगा जैसे मस्तिष्कगत प्रेम कि भाई कि सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी कितनी है, जोड़ कितना बन जाएगा, घर कैसे बसाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, जोड़ तो हिसाब किताब मैथमेटिक्स का क्या जिसको कहते हैं मैथमेटिकल लव, नहीं मैथमेटिकल लव नहीं होता है, इमोशन से जुड़ा हुआ है प्यार मोहब्बत। तो शिव कहते हैं कि आप अपने प्रेमिका के साथ में या प्रेमी के साथ में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो कि जैसे वह नित्य जीवन हो। ये नित्य जीवन क्या है पहले इसको समझ ले तो पूरे सेंटेंस समझ में आ जाएगा आपको। नित्य जीवन, जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या है, जो बीत चुका है, जो हो रहा है, जो आने वाला है, इसको हम जीवन कहते हैं। मतलब जन्म और मृत्यु का जो कालखंड है इसमें जो हम गति कर रहे हैं इसको हम कहते हैं जीवन। समय एक अवधि है, एक बंदा पैदा हुआ 1950 में, मरेगा 2015 में, तो ये जो 65 इयर्स का एक लाइफ स्पैन हुआ। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 20 साल होने के बाद में ये उसका अतीत हो गया, आपको 20th ईयर अभी चल रहा है, भविष्य आ रहा है, जो जा चुका है, जो आ रहा है, जो जा चुका है वो अभी नहीं है, जो आने वाला है वो अभी नहीं है, अभी है क्या, अभी जो है वो है नित्य जीवन, शाश्वत यही है। वर्तमान ही नित्य जीवन है। वर्तमान को समय की परिभाषा में प्रयोग करना या समय के हिसाब से तोड़ना गलत है। समय तो अतीत हो सकता है या भविष्य हो सकता है, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हर पल समय चुप रहा है। ये तो ये जो हर पल समय चला जा रहा है, तो जो आप जिंदा हो, जो जीवन आपका भी चल रहा है, जिसमें अभी आप हो, यही शाश्वत है, यही नित्य जीवन है। जैसे मृत्यु, मृत्यु कब घटित होगी, आपकी मृत्यु अतीत में घटित हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। आपकी मृत्यु भविष्य में घटित हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। मृत्यु डेथ ना तो पास्ट में हो सकता है ना फ्यूचर में हो सकता है, मृत्यु केवल वर्तमान में अभी हो सकता है। जैसे प्रेम ना तो अतीत में हो सकता है ना भविष्य में हो सकता है, ध्यान ना अतीत में ना भविष्य में, ये सभी अभी की चीजें हैं, अभी हो सकता है। इससे कहते हैं कि नित्य जीवन, ये शाश्वत समय जो गति है समय की, एक गति होराइजेंटल होती है। जैसे आपका अतीत, आप मानिए कि एक्स वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस नेगेटिव ये आपका पास्ट और वाई एक्सिस पॉजिटिव ये आपका भविष्य। ये सेंटर बीच का जो है एक्स और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है जहां जुड़ता है ये खिसकता जा रहा है, ये आपका वर्तमान है और ये वर्तमान नित्य जीवन है। जो रीत तो रहा है लेकिन रीत नहीं भी रहा है, जो रीत रहा है लेकिन नहीं रीत रहा है, तो इसे क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे कि ये समय है जो है भी और नहीं भी है। बाइबल में जब जीसस से कहा गया, किसने पूछा कि स्वर्ग में क्या होगा, वो कहते हैं कि स्वर्ग में समय नहीं होगा, क्योंकि समय में जब हम रहते हैं जो भी समय के दायरे में आएगा उसका विनाश होगा, जो कि काल के दायरे में आएगा उसका विनाश होगा। जैसे काली है, काली समय से परे हैं, वो हरदम है, आदि शक्ति हैं और अभी भी हैं और हरदम रहेंगी, सदा सर्वदा रहेंगी, इसलिए कालातीत है, काली है, इसलिए महाकाल के ऊपर में खड़ी हुई है काली। जो महाकाल के ऊपर में अपना पैर रखकर खड़ी हुई है काली, ये बता रही है कि वो कालातीत है, वो समय के बंधन में नहीं आते। तो स्वर्ग में जीसस कहते हैं कि वहां समय नहीं है। तो जब आप प्रेम के क्षण में होते हैं, आलिंगनबद्ध होते हैं, वो प्रेम में पूरे डूबे हुए होते हैं,
तो उस समय आपको समय का ज्ञान नहीं रहता है, समय को आप भूल जाते हैं, मन जो है शून्य हो जाता है। आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते उस समय, ना ही अतीत के बारे में सोचते हैं, तो आप कहां रहते हैं? अभी, और अभी शाश्वत है, हरदम है, क्योंकि अभी फिर अभी फिर अभी, इसको कहते हैं नित्य जीवन। शिव कहते हैं नित्य जीवन। तो प्रेम में ऐसे उतरो कि जैसे आप इस नित्य जीवन में हैं। शिव ये कह रहे हैं जैसे कि शरीर की जो बोध है वो खत्म हो जाए, आपकी जो दृष्टि है उस दृष्टि में केवल प्रेम ही प्रेम हो, इतने गहरे उतर जाओ, इतने गहरे उतर जाओ कि तुम ही प्रेम बन जाओ। जैसे गोपियां कृष्ण ही बन जाते थे, कृष्ण गोपी बन जाते थे, उस प्रकार से जब आप अपने प्रेमी के साथ हो तो उसमें प्रेम में इतना डुबा दो कि वर्तमान में ही जियो। और ये सत्य है, आप जो गहरे प्रेम के क्षण में आप अतीत के बारे में नहीं सोचते रहते हैं, ना ही भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, आप उस समय उसी वर्तमान में होते हैं। वर्तमान जैसे बताया कि समय का खंड नहीं है, समय के डेफिनेशन में वर्तमान नहीं आता है, केवल अतीत और भविष्य आता है। तो वर्तमान में रहने की कला जो है, टू स्टे इन द प्रेजेंट। आप मेरी किताब देखेंगे द गेटवे टू स्पिरिचुअलिटी, जो कि आपके अमेजोन में, कोबो में, फ्लिपकार्ट में, अलग अलग जगहों में फिजिकल बुक के हिसाब से, ई बुक के हिसाब से अवेलेबल है, उसको आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बारे में उसमें काफी चर्चा की गई है, मन की गति के बारे में, समय के बारे में, उसको देखें, जाने और ये सीखें कला कि वर्तमान में कैसे जिया जाए। जो लोग अतीत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, उनका मन हरदम उलझन से भरा हुआ होता है, स्ट्रेसफुल होता है, या गिल्ट से भरा होता है, गलत कुछ काम किए थे अतीत में उसका पश्चाताप, भविष्य में क्या होने वाला है उसका भय, यू नो, तो एंजाइटी, फियर, इन चीजों से डायबिटीज, नींद की नहीं, नींद नहीं आना, शरीर में जितने सारे साइकोसोमेटिक इश्यूज होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम अतीत या भविष्य में जीने की कोशिश करते हैं, समय के साथ जीने की कोशिश करते हैं, वर्तमान जो कि शाश्वत, जो कि नित्य जीवन है, इसमें की ऊर्जा है, प्राण है, उसमें जीना भूल चुके हैं, इसलिए हम अशांत हैं। जैसे ही वर्तमान में हम जीने की क्षमता प्राप्त कर लें, प्रयोग कर सकते हैं प्रेम से, क्योंकि प्रेम, ध्यान, मृत्यु, जैसे मैंने बताया कि सब वर्तमान में हो सकते हैं, भविष्य में नहीं हो सकता है, अतीत में हो सकता है, तो एक जरिया है, तरीका है इस सूत्र को प्रयोग करने के लिए। इसको प्रयोग करके देखें, समझें और इसको अपने जीवन में उतारें और वर्तमान में जीना, आनंद में रहना सीखें। आत्म साक्षात्कार तब हो सकता है जहां रुक जाए, थम जाए, ठहर जाए वर्तमान में, न कि घिसते रहे और पीटते रहे, लेकिन जैसे कोई पेंडुलम हो, अतीत में एक तरफ, भविष्य में एक तरफ, अतीत की तरफ, भविष्य की तरफ, बीच में रुक जाए। इसको कहते हैं बुद्ध मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, बीच में रुक जाए शांत होकर, तभी आपके आत्मदर्शन होंगे। और जब आत्मदर्शन आपका होगा, अपने से आप मिलेंगे, तब आप आनंद के सरोवर में स्थित होंगे, आनंदित। 109 चक्र है हमारे शरीर में, उनमें से मुख्य है 12 और उनमें से भी मुख्य है 9 और उनमें से भी मुख्य 7 चक्र है। चक्र माने जहां नस नाड़ियां सब एक होती हैं, वहां बीच में। तो हमारे शरीर में कई चक्र है, एक मूलाधार चक्र जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरू होती, गुद प्रदेश है, गुद प्रदेश के पास है वो मूलाधार, उससे ऊपर है जननेन्द्रिय के पीछे वो स्वादिष्टान चक्र, और तीसरा है नाभि पे है, नाभि में जो है वो मणिपुर चक्र कहते हैं, फिर हृदय में है एक चक्र अनाहत चक्र, फिर गले में है, इस चक्र को कहते हैं विशुद्धि चक्र, और दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र। ये सब डक्टलस ग्लैंड्स कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में इन सब का वर्णन है। अंग्रेजी तो
सिस्टम है मेडिसिन का, उसमें उन्होंने भी इन चीजों को माना। एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे पूर्वज इतने हजारों साल पहले इस बात को जानते थे। अच्छा, फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड कहते हैं, आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार, हाइपोथैलेमस कहते हैं। जब चक्र पर ध्यान देते हो पहले तो कुछ नहीं अनुभव होता, सिर्फ ब्लैंकनेस आती है, खालीपन। फिर थोड़ा समय के बाद वहां स्पंदन होने लगता है, तरंग का अनुभव होता है। फिर तरंगों के अनुभव के पश्चात प्रकाश अनुभव में आता है। तो तीन स्टेजेस हैं, एक ही साथ नहीं होगा। पहले तो कुछ नहीं, खालीपन होता है। फिर यदि आप लोग ध्यान कर रहे हो, सहज समाधि कर रहे हो, बहुत दिन से ध्यान कर रहे हो, आपको महसूस होता होगा जब ध्यान में बैठते कुछ वाइब्रेशंस, तरंगों का अनुभव आता। कितने लोगों को तरंगों का अनुभव होता है, हाथ उठाइए। फिर तरंग बदल करके फिर ज्योति रूप होता है। घर में कोई सो रहे हो तो उनके सिर के ऊपर 12 अंगुल के बीच में ऐसे हाथ करो, उनका नाम लो या सिर्फ हाथ करो तो वो जग जाएगा, उनको छूने की जरूरत नहीं। हमारा सूक्ष्म शरीर 12 अंगुल पर खत्म होता है। मन इतना बड़ा है, इसको वैज्ञानिकों ने केरेलियन फोटोग्राफी वगैरह लेके तुम्हारा आभा मंडल का चित्र भी निकालते हैं अभी। और तुम ध्यान करते हो, सुदर्शन क्रिया करने के बाद आभा मंडल का चित्र लो और पहले लो, बहुत बड़ा फर्क होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बड़ा है। जब सूक्ष्म शरीर सिकुड़ता है तब हमको अच्छा नहीं लगता भाई। जब भी आपको अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई, उसके साथ क्या अनुभव हुआ? ऐसा लगा कुछ फैलता हुआ अनुभव में आया। जब दुख होता तो क्या अनुभव करते हैं? सिकुड़ गया हो, जैसे कोई चीज सिकुड़ता हुआ अनुभव करते हैं। ये जो चीज है जो सिकुड़ता है और फैलता है, यही हमारा मन है, यही हमारी चेतना है। तो ना समझ लो, आत्महत्या करते हैं। पता क्या हो रहा उनके साथ? उनका मन सिकुड़ गया, अब शरीर रहने के अच्छा नहीं लगा। अरे भाई कुछ नहीं, थोड़ा सा फूंक मारो, प्राणायाम करो, वस्त्रिका करो, देखो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर वापस यथास्थिति हो जाएगा। इस विज्ञान को नहीं जानते हुए हम कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मान लो आपकी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप उससे निकलना चाहते हो कि नहीं? आपका स्वेटर हो, शर्ट हो या कोई भी जैकेट बहुत टाइट हो तो आप क्या, अरे इससे निकलो, मुक्ति चाहिए। ऐसा ही मन सिकुड़ता है तो लगता है शरीर से हट जाओ, इसीलिए आत्महत्या करते हैं। जैसे ये लोग प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, क्रिया करेंगे, क्या होता है? सूक्ष्म शरीर फिर मजबूत होने लगता है, अपना नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है, फिर कोई आत्महत्या नहीं करता। तो शरीर में एक द्वादशांत बोलते, 12 अंगुल के ऊपर इधर एक चक्र है, सिर के ऊपर भी एक चक्र है, वहां आपका सूक्ष्म शरीर का अंत होता है। मगर आप साधना के जरिए इसको बढ़ाओगे तो आपका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बहुत बड़ा होगा, वही ईश्वर साक्षात्कार है। जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से अपना कारण शरीर, जिसका व्याप्ति सब जगह है। कैसा? जैसे टेलीविजन का जो तरंग है, वो तरंग सिर्फ आपके घर में कमरे में है कि सब जगह है? वो तरंग सब जगह व्याप्त है। ऐसे हमारे भीतर जो चेतना है वो स्थूल रूप में शरीर बना, सूक्ष्म रूप में मन बना और कारण रूप से तरंग के रूप में सब जगह व्याप्त हुआ है। इसलिए इस देश में मंत्र को बहुत महत्व दिया है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, एक ओंकार ही सतनाम सच्चा नाम है, वही अस्तित्व में
इस आवाज को तुम सुन सकते हो, एक ओंकार। दुनिया के कण कण में ओंकार है, दुनिया ही नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड के कण कण में ओंकार है। अब शंकर कहते हैं प्रणवादि समुच्चार्या, किस ओंकार का उच्चारण करो वो करते 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 भी तुम्हारा मन उसमें लय हो जाए तो तुम भैरव को प्राप्त करोगे, भैरव अवस्था खाली हो जाओगे। तो ओंकार का ध्वनि, ओंकार करने से पहले और बाद में भी तुम उस चैतन्य सत्ता में विलीन होते हो या जागृत होते हो। अनहदे पात्र करणे अभग्न शब्दे सरिद्रते शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्मादिगच्छ। अनहद नाद को सुन लो अपने भीतर, या अभग्न शब्द जैसे एयर कंडीशन की आवाज आ रही है, एक साथ, या एक झरना पानी की झरने का आवाज सुनते 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 तुम शांत। जब लोग आत्महत्या करने जाते हैं, जब पानी में कूदने के लिए लोग जाते हैं, कम लोग मरते हैं उसमें, पता है। वहां पानी के किनारे जाके बैठते ही या देखते ही कुछ मन में होने लगता है, कुछ मन शांत हो जाता है। वैसे तालाब में नदियों में कूद के मरने वालों की संख्या बहुत कम है, पंखे में लट कर के मरने वाले जाते हैं। जल की स्रोत के पास बैठ के उसकी धारा की जो खलखल को सुनते रहो, वो खलखल की आवाज में नीरव में तुम अपने आप को खो देते हो, उस स्थिति में तुम भैरव के करीब हो जाते हो। फिर शिव कहते हैं शब्द को सुनते 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 फिर शब्द के परे चले जाना, कि शब्द भी कुछ समय के बाद बोझ लगता है, भारी लगता है। आप सबको लगता ही है ना, बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर, बहुत ज्यादा कोई भजन करते रहते या कोई भी गाना चलता रहे, लगता कब इससे मुक्ति हो। जितने हम संवेदनशील होते हैं उतने हमको सूक्ष्म शब्द पसंद आने लगते हैं, जो कम संवेदनशील है हार्ड रॉक पसंद करते हैं, एकदम मोटा वो रॉक बैंड। उससे क्या होता, हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों पर भी इन नाद का असर होता है। बेस ऑफ द स्पाइन, पहला चक्र पर रॉक बैंड का असर होता है, इसलिए उनको अच्छा लगता है। फिर वहां से ऊपर जाएंगे नाभि, नाभि में तंतुवाद्य का असर करता है। आप सितार बजाइए, वीणा बजाइए, या कोई मेटालिक स्क्रैच होता है ना, कहाँ आपको अनुभव होता है। कोई लोहे का कुर्सी या कुछ खींचे तो आपको उसका असर कहाँ पड़ता है, बताओ, पेट में पड़ता है। नाभि से हृदय तक तंतुवाद्य का है, तंतुवाद्य माने तार से बनी हुई होती है, सितार हो ये सब, गिटार सितार सब इधर। फिर हृदय से लेके गले तक का असर बांसुरी की है, फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स का है। फिर वहां से चलोगे भ्रूमध्य में घंटी और शंख, हमारे मंदिरों में भी ऐसे ही सब रखा जाता था, सबसे बाहर बड़े बड़े नगारी नबत्तों ड्रम्स ये सब रखते थे। उधर से नीचे जाते जाते गर्भगृह में सिर्फ घंटी होती है, छोटी सी शंख होती है, घंटी होती है। अब बच्चों को सुलाना हो तो रॉक म्यूजिक लगाओ, कोई बच्चा नहीं सो पाएगा दुनिया भर के, उनके लिए क्या कहते हैं, जिंगल बेल, जिंगल बेल, छोटी सी घंटी, छोटी सी आवाज हो, तरंग हो, जल तरंग, पियानो, इस तरह इन चीजों से बच्चे सो जाते हैं, शांत हो जाते हैं।
बच्चा बोलने से पहले गाता है, पहले गाए आप बोले, गाते हैं। हर व्यक्ति जीवन में गाते हैं, चाहे शवर के नीचे भी गा ले। संगीत भी एक माध्यम है, यहां शिव करे तो संगीत के माध्यम से भी तुम मुझ चैतन्य सत्ता में आ सकते हो। कोई 112 विधियां हैं सारे जगत में ध्यान की, और प्रत्येक विधि अद्भुत है, और 112 विधियों से आदमी परमात्मा तक पहुंच सकता है। उसमें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत विधियां भी हैं, इसलिए एक विधि को मानने वाला दूसरी विधि को बिल्कुल गलत कहता है। लेकिन वे 112 विधियां सभी व्यक्ति को ध्यान और शांति और आनंद और सत्य तक ले जाने का मार्ग बन जाता है। इस ध्यान केंद्र पर पूरी 112 विधियों का प्रयोग करने का ख्याल है, और तब पहली बार पृथ्वी पर उस तरह का प्रयोग होगा जिसने आज तक पृथ्वी पर सारे ध्यान की प्रक्रियाओं को एक साथ एक जगह, हम एक भी व्यक्ति को वहां खोना ना चाहेंगे, वो किसी भी मार्ग से जा सके उस मार्ग पर ही उसे सुझाव दिए जा सके। अब अजीब अजीब विधियां हैं जिनका आपने कभी सुना भी नहीं होगा नाम। एक दो विधि मैं आपसे कहना चाहूं। तिब्बत में एक बहुत छोटी सी विधि है, बैलेंसिंग, समन, संतुलन, उस विधि का नाम। कभी घर में खड़े हो जाएं सुबह स्नान करके, दोनों पैर फैला लें, और ख्याल करें कि आपके बाएं पैर पर ज्यादा जोर पड़ रहा है कि दाएं पैर पर ज्यादा जोर पड़ रहा है। अगर बाएं पर पड़ रहा है तो फिर आहिस्ते से जोर को दाएं पर ले जाएं, दो क्षण दाएं पर जोर को रखें फिर बाएं पर ले जाएं, 15 दिन सिर्फ शरीर का भार बाएं पर है कि दाएं पर, इसको बदलते रहे। और फिर ये तिब्बती प्रयोग कहता है कि फिर इस बात का प्रयोग करें कि दोनों पर भार ना रह जाए, आप दोनों पैर के बीच में रह जाए, और एक 3 सप्ताह का प्रयोग, और जब आप बिल्कुल बीच में होंगे, भार ना बाएं पर होगा ना दाएं पर, जब आप बिल्कुल बीच में होंगे तब आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक उसी क्षण में आप ध्यान में चले जाएंगे। ऊपर से देखने पर लगेगा इतनी सी आसान बात, करेंगे तो आसान भी मालूम पड़ेगी और कठिन भी मालूम पड़ेगी। बहुत सरल मालूम पड़ती है, 2 पंक्तियों में कही जा सकती है, लेकिन लाखों लोगों ने इस छोटे से प्रयोग के द्वारा परम आनंद को उपलब्ध किया है। जैसे ही आप बैलेंस होते हैं, न बाएं पर रह जाते न दाएं पर रह जाते, जैसे ही दोनों के बीच में रह जाते, वैसे ही आप पाते हैं कि वो बैलेंसिंग, वो संतुलन आपकी कॉन्शियसनेस का, चेतना का भी बैलेंसिंग हो गया, चेतना भी बैलेंस्ड हो गई, चेतना भी संतुलित हो गई, तत्काल तीर की तरह भीतर गति हो जाए। ऐसे 112 विधियां हैं सारे जगत में। इन सारी 112 विधियों पर विस्तृत वैज्ञानिक व्यवस्था इस ध्यान केंद्र में देना चाहता हूं, और न केवल आपको समझाया जा सके बल्कि आपको करवाया जा सके। अगर एक विधि से ना हो सके तो दूसरी विधि से करवाया जा सके, लेकिन हम आपको उस मंदिर से निराश न लौटने दें, क्योंकि 112 ये चरम विधियां हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। अगर एक विधि काम नहीं करती दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करती तीसरी करेगी, और आपकी विधि तत्काल खोज ली जा सकती है कि कौन सी विधि आप पर काम करेगी। आप पर कौन सी विधि काम करेगी इसकी खोजने की साइंस भी, इसके खोजने का भी विज्ञान है। और यदि हम इस समय देश के बड़े बड़े नगरों में और देश के बाहर भी ध्यान के ऐसे विज्ञान मंदिर निर्मित कर सके, तो मनुष्य जाति के लिए जो आज सर्वाधिक पीड़ा और संताप से गुजर रही है, और जिसे कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता,
क्योंकि जो जो हमने सोचा था कि इससे सब ठीक हो जाएगा, उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सोचा था कि लोगों के पास भोजन ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। आज दुनिया में आधी दुनिया के पास भोजन बिल्कुल ठीक है। सोचा था लोगों के पास कपड़े होंगे, मकान होंगे, अच्छे रास्ते होंगे, दवा होगी, चिकित्सा होगी, बीमारियां कम होंगी। आज आधी दुनिया के पास सब है। एक बड़ी अद्भुत घटना घटी है कि जिनके पास आज सब है वे ही सर्वाधिक अशांत, बेचैन और परेशान हो गए। गरीब मुल्क एक अर्थ में सौभाग्यशाली है, भूखे मरते हुए मुल्क एक अर्थ में सौभाग्यशाली, क्योंकि अभी भी उनकी आशा जीवित है। उन्हें ख्याल है कि समाजवाद आएगा, धन बढ़ेगा, धन बटेगा, सब ठीक हो जाएगा। ये आशा भी उन मुल्कों की टूट गई जहां ये सब ठीक हो गया। अब वे बड़ी निराशा में, गहन निराशा में खड़े हो गए। इतनी होपलेसनेस, इतनी आशा रहितता कभी भी मनुष्य के इतिहास में पैदा नहीं हुई थी। आज अमेरिका जितना आशाहीन है उतना पृथ्वी पर कोई भी नहीं, और आज अमेरिका मनुष्य के इतिहास में पृथ्वी का सर्वाधिक संपन्न, सर्वाधिक सुखी, हमारे अर्थों में सब कुछ जिसके पास है, और फिर भी अचानक अनुभव हो रहा है कि कुछ भी पास नहीं है। इतनी आशाहीन स्थिति का कारण एक, हमने सोचा था जिन बातों से मिलेगा सब, वो सब डिसइल्यूजनमेंट, वो सब भ्रम टूट गए। और अब हमें वापस लौटकर सुनना पड़ेगा बुद्ध को, कृष्ण को, क्राइस्ट को, मोहम्मद को, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत बार, बहुत पहले ये कहा था कि सब भी मिल जाए मनुष्य को, लेकिन अगर स्वयं का अनुभव ना मिले तो कुछ भी मिलता नहीं। लेकिन हमें उनकी बात ख्याल में नहीं आ सकी, नहीं आ सकती थी, क्योंकि बात बड़ी काल्पनिक मालूम पड़ती थी, बहुत ओटोपियन मालूम पड़ती थी। और जो लोग कहते थे धन मिल जाए, मकान मिल जाए, उनकी बात बड़ी प्रैक्टिकल और व्यवहारिक मालूम पड़ती थी। इतिहास का मजाक कि जो लोग बहुत प्रैक्टिकल थे वो बहुत ओटोपियन सिद्ध हुए, और जो लोग बहुत ओटोपियन थे आज पृथ्वी पर वे ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सिद्ध होने के करीब। लेकिन धर्म अब पुराने रास्तों से नहीं लौटाया जा सकता, अब धर्म नए ही रास्तों से प्रवेश करेगा। उसके नए रास्ते वैज्ञानिक और तकनीकी होंगे। अब जैसे एक आदमी हिमालय जाता था, आज भी हम सोचते हैं एक आदमी हिमालय जाए तो ध्यान में जा सकता है, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि हिमालय किस लिए जाता था। जितना ताप कम हो जाए वातावरण में उतना भीतर प्रवेश आसान हो जाता है, लेकिन कितने लोग हिमालय जा सकते हैं। लेकिन बंबई में एक एयर कंडीशन मेडिटेशन हॉल हो सकता है, कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिमालय पर जो ठंडक मिल सकती है वो बंबई में भी उपलब्ध हो सकती है। अब हिमालय पर जाने की व्यर्थ की दौड़ धूप, अब तो ठीक बंबई के बीच बाजार में भी उतनी ही शीतलता उपलब्ध हो सकती जितने एक योगी को हिमालय की चोटी पर उपलब्ध होती थी। उसके आसपास भी बर्फ फैलाया जा सकता है, अगर बर्फ से ही कुछ लाभ होना है तो बर्फ फैलाया जा सकता है। अगर ऊंचाई से कुछ लाभ होता है, जमीन के ग्रेविटेशन के कम होने से कुछ लाभ होता है, तो बंबई में भी ग्रेविटेशन कम किया जा सकता है तो वहां भी इतना ही उत्ताप पहुंच जाएगा, इतनी ही गर्मी पहुंच जाएगी। एवरेस्ट पर जिस दिन जाने का रास्ता सीधा होगा उस दिन हम बस्तियां वहां भी बसा लेंगे। आने वाले भविष्य में मनुष्य जहां है वहीं सारी टेक्नोलॉजी और साइंस का उपयोग किया जा सकता है, और वहीं सारी व्यवस्था की जा सकती है जो कि एक योगी को बड़ी तकलीफें उठा के व्यवस्था करनी पड़ती थी, वो विज्ञान के द्वारा संभव हो गई, एक सामान्य आदमी के लिए भी सुलभ हो सकती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करके ही इस मंदिर को, ध्यान के मंदिर को निर्मित करना है। ये ध्यान का मंदिर
मंदिर सिर्फ इसी अर्थों में होगा कि वो ध्यान का है, अन्यथा वो एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला होगी। इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला में मनुष्य ने जो जो खोज की है आदमी के संबंध में, उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। एक आदमी ध्यान करने आता है लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इस आदमी को ध्यान में ले जाना आसान नहीं है। इस आदमी को ध्यान में ले जाना कठिन है, इसके रक्तचाप की जो अधिकता है वो इसके ध्यान में बाधा बनेगी। पुराने आदमी के पास रक्तचाप को नापने का कोई माध्यम नहीं था, लेकिन आज के ध्यान मंदिर में रक्तचाप नापने का माध्यम हो सकता है, रक्तचाप को कम करने की व्यवस्था हो सकती है और फिर ध्यान में ले जाने की सुविधा बनाई जा सकती है। हाँ, एक बार आदमी ध्यान में चला जाए तो रक्तचाप में जाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रक्तचाप में डूबे हुए आदमी को ध्यान में जाना मुश्किल हो जाएगा। सारी दुनिया के योगियों ने अल्प आहार पर जोर दिया है, कम खाने पर जोर दिया है, उपवास पर, अल्प आहार पर, कम भोजन पर, सम्यक आहार पर सारी दुनिया के योगियों ने जोर दिया है। फिर भी उनके पास अल्प आहार क्या है इसकी ठीक ठीक जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी सिवाय अनुमान की। न उन्हें कैलोरीज का कुछ पता था, न उन्हें भोजन के तत्वों का कुछ पता था। इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि अल्प आहार के नाम पर जो चला उससे नुकसान ही पहुंचा। आज हमारे पास बहुत वैज्ञानिक व्यवस्था है कि एक आदमी को कितनी कैलोरी भोजन की जरूरत है, और हम ये तय कर सकते हैं कि उसकी कितनी कैलोरी कम हो जाए तो उसे ध्यान में आसानी हो जाएगी, कितनी कैलोरी ज्यादा हो जाए तो कठिनाई हो जाएगी। अगर ज्यादा भोजन है तो ध्यान में कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा भोजन ज्यादा नींद मांगता है, उसे पचाने के लिए उतनी ज्यादा नींद चाहिए। कम भोजन कम नींद मांगता है, और जितनी भीतर निद्रा कम पैदा होती हो उतना ध्यान का जागरण पैदा हो सकता है। ध्यान तो जागरण है, एक आदमी ध्यान करने बैठता है और ज्यादा भोजन करके बैठ जाता है तो फिर कठिनाई होगी। लेकिन ज्यादा भोजन से मतलब सिर्फ पेट में ज्यादा चीजें चली जाएं इससे नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक आदमी ने बहुत साग सब्जी खा लिया हो, पेट पर तो वजन ज्यादा हो लेकिन भोजन ज्यादा ना हुआ, और एक आदमी ने थोड़ी सी मिठाई खाई हो, पेट पर तो वजन कम हो लेकिन भोजन ज्यादा हो गया। और आमतौर से साधु संन्यासी मिठाई खाते रहे, दूध पीते रहे, रबड़ी लेते रहे, इस बात के बिना ख्याल किए, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं था, उसका कोई साफ ख्याल नहीं था। आज हमारे पास उपाय है। एक आदमी कितना सोए इस पर निर्भर करेगा कि उसकी ध्यान की गति कैसी हो सकेगी। दोनों बातें संबंधित हैं। अगर ध्यान ठीक हो जाए तो नींद ठीक हो जाएगी, लेकिन ध्यान को ठीक करना उतना आसान नहीं जितना नींद को ठीक कर लेना आसान है। पहले नींद ठीक कर ली जाए तो ध्यान में गति बहुत आसान हो जाए। अब लोगों के पास नींद ही नहीं है, वो रात भर सोए नहीं, सुबह ध्यान करने बैठ गए। जो आदमी रात भर सोया नहीं वो ध्यान में सिर्फ सोएगा। इसलिए मंदिरों में पूजा करते हुए, साधु को सुनते हुए लोग अगर सो जाते हैं तो बहुत हैरानी नहीं। मैंने तो सुना है कुछ डॉक्टर सलाह देते हैं कि धर्म सभा में चले जाना चाहिए अगर नींद ना आती हो। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा पादरी अपने एक मित्र को बार बार कहता था कि तुम कभी मेरा व्याख्यान सुनने आओ। नहीं माना तो एक दिन वो मित्र सुनने गया। पादरी अच्छे से अच्छा जो बोल सकता था बोला। बाहर जब दोनों निकलने लगे तो उसने अपने मित्र से पूछा कि कैसा लगा, तो उसने कहा बहुत ही ताजगी देने वाला, रिफ्रेशिंग। पादरी के हृदय की धड़कन खुशी से बढ़ गई। उसने कहा कौन सी बात तुम्हें इतनी ताजगी देने वाली लगी। उसने कहा कि जब मेरी नींद खोली तो मन बड़ा ताजा था, इतना तो मुझे घर भी नींद आती तब भी इतनी ताजगी नहीं मिलती, मैं जरूर आया करूंगा, तुम्हारा भाषण बहुत रिफ्रेशिंग था।
क्यों आखिर मंदिर में धर्म कथा में आदमी को नींद आ जाती, बात क्या है? बोर्डम, ऊब पैदा हो जाए नींद आ जाती, कोई चीज उबाने लगे नींद आ जाती। और नींद की कमी हो तो जल्दी ही कोई चीज उबाने लगती है। जिनको नींद नहीं आती वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, ध्यान से शायद नींद आ जाए। उन्हें पता नहीं ध्यान से नींद जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन नींद का ठीक होना ध्यान में जाने के पहले बहुत जरूरी है, अन्यथा ध्यान में जाना मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए। कठिन इसलिए हो जाएगा कि चित्त को पहली जरूरत नींद की, और जैसे ही विश्राम मिला चित्त सो जाएगा। और ध्यान में जरूरत है विश्राम में भी जागे हुए होने की, रिलैक्स्ड एंड अवेयर। एक तरफ सब विश्राम हो और एक तरफ सब जागा हुआ, तभी कोई ध्यान में प्रवेश कर सकता है। और नींद का नियम यह है कि यहां हम विश्राम हुए बाहर कि भीतर नींद आ गई, रिलैक्स हुए कि नींद आ गई, तो ध्यान में अक्सर लोग सो जाएंगे। अब यह सारी व्यवस्था आज की जा सकती है, नींद नापी जा सकती है, उनके सपने नापे जा सकते हैं कि कितने सपने आपको आ रहे हैं। आपको भी पता नहीं होता कितने सपने आ रहे हैं, कैसे सपने आ रहे हैं। कल ही एक साधिका मेरे पास थी, ध्यान करना है उसे। मैंने उसके सपनों के बाबत पूछा, उसने कहा कि सपनों से क्या मतलब आपको, मुझे ध्यान कर रहे। मैंने उससे कहा कि मुझे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने ही मुझे बताएंगे कि तुम्हें सच में ध्यान करना है या कुछ और करना है। उसने कहा सपने में तो मुझे सिवाय काम वासना के और हिंसा के, हत्या के, आग लगा देने के, इस तरह के सपने आते। तो मैंने कहा कि वही तुम्हारा चित्त करना चाहता है, अभी ध्यान मुश्किल पड़ेगा, पहले तो तुम्हारे सपनों को शुद्ध करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को स्वयं को शुद्ध करना है, वो अगर अपने सपनों को भी शुद्ध न कर पाए तो स्वयं को शुद्ध नहीं कर पाएगा। सपने जैसी साधारण चीज भी अशुद्ध हो तो स्वयं का शुद्ध होना बहुत मुश्किल है। जिसके सपने भी अभी सात्विक ना हो पाए हो, उसका सत्व सात्विक हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। जिसके सपने अभी शांत ना हो पाए हो, उसकी सत्ता शांत हो जाए, ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आज से पहले सपने की जांचने की कोई सुविधा न थी, इस ध्यान केंद्र में सपने के जांचने की पूरी व्यवस्था करना चाहता हूं। अब तो इंतजाम है, जैसे आपका कार्डियोग्राम लिया जाता है, वैसे ही आपके रात नींद के सपने का ग्राफ बन जाता है कि आपने कितनी देर सपने देखे, किस तरह के सपने देखे, वायलेंट थे, नॉन वायलेंट थे, सेक्सुअल थे, नहीं थे सेक्सुअल, क्या था, सपने किस तरह के थे, इसकी काफी जानकारी ग्राफ दे देता है। और कितना सपना देखा रात पर, क्योंकि ये जान के आप हैरान होंगे कि सपनों के संबंध में जितनी जानकारी बढ़ी है उतना ये प्रतीत हुआ है कि चित्त के भीतर भी वेव्स हैं, तरंगे हैं। जब सपना चलता है तो तरंगे और तरह की होती, जब सपना बंद होता है तो और तरह की होती। और बड़े आश्चर्य की बात है कि गहरी नींद में जो तरंगों की स्थिति होती है वही स्थिति ध्यान की तरंगों में भी होती है। ध्यान में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगें वैसी ही होती हैं जैसी तरंगें गहरी निद्रा में होती हैं। और जब कोई व्यक्ति सपने में होता है तो तरंगें वैसी ही होती हैं जैसे जब कोई व्यक्ति चिंता में होता है। चिंता और स्वप्नों का जोड़ है गहरी निद्रा और ध्यान का जोड़। ये सारी वैज्ञानिक व्यवस्था इस ध्यान मंदिर में करने का ख्याल है, और प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक रूप से सहायता पहुंचाई जा सके ये दृष्टि। और मेरे देखे आज मनुष्य को ध्यान की जितनी जरूरत है उतनी किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मनुष्य जितना अशांत है उतना मनुष्य अशांत कभी भी नहीं था।